गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन रहता है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इससे क्या होगा कि अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो अगर आपने गलत भी टिक किया होगा ना, तो आपको जब क्वेश्चन आएगा सामने तो आपको बिल्कुल राइट आंसर ज़रूर याद रहेगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन है आपके पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा या फिर क्यूराइल जलधारा। क्या होगा इसका सही जवाब? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। गल्फ स्ट्रीम उत्तरीय अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय जलधारा है। कहाँ पर है यह? जो उत्तरी अंध महासागर है वहाँ पर प्रवाहित होने वाली क्या है? गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय जलधारा। यह लगभग 20 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास मेक्सिको की जो खाड़ी है उससे उत्पन्न होकर, कहाँ से उत्पन्न होती है? मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्वी दिशा की 70 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वहाँ तक, पश्चिमी यूरोप की जो पश्चिम घाटी है वहाँ तक प्रवाहित होती है। कहाँ तक होती प्रवाहित? देखो, उत्पन्न कहाँ से होती है? तो मेक्सिको की खाड़ी से। उसके बाद प्रवाहित कहाँ तक होती है? तो यूरोप की जो पश्चिम तट है वहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? यूरोप का गर्म कंबल कौन सी जलधारा को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास बेंगुएला जलधारा, केनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या फिर नॉर्वे की जलधारा। क्या होगा इसका सही जवाब? गर्म कंबल के नाम से कौन सी जलधारा कही जाती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अभी हमने देखा सबसे गर्म कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ही क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। चलिए देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। अभी हमने कहा गल्फ स्ट्रीम जो कि कहाँ से प्रवाहित होती है? अंध महासागर से। कितने डिग्री? मेक्सिको की खाड़ी से। और कहाँ पर जाके तक प्रवाहित होती है? तो यूरोप के पश्चिमी तट तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहा जाता है? कौन सा क्रिसमस के बच्चों की जलधारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास पेरू जलधारा को, कैलिफोर्निया जलधारा को, अल नीनो जलधारा को या फिर गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या कहा जा रहा है वह? क्रिसमस के बच्चों की जलधारा किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल नीनो जलधारा को ही क्या कहा जाता है? क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। किसका आएगा? एल नीनो किसका शब्द है? स्पेनिश भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। इसे यह नाम पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर दिया गया था। छोटा बच्चा किसके नाम पर रखा? तो जो बाल ईसा है उनके नाम पर दिया गया था। इसका प्रमुख जो प्रभाव है वह सामान्यतः क्रिसमस के आसपास में अनुभव होता है। उष्ण तटबंधी जो प्रशांत है उसमें जो भूमध्य क्षेत्र के जो समुद्र के तापमान, जो समुद्र का तापमान है कहाँ का? भूमध्य क्षेत्र का। उस पर वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्र घटना को एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, जो वायुमंडल की परिस्थिति में जो बदलाव आता है उसे ही क्या कहा जाता है? एल नीनो या फिर अल नीनो या फिर अल नीनो कहा जाता है। ठीक है, यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र का जल है, उसमें से कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है? यानी कि काली धारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास क्रूरोशियो धारा, अंटार्कटिका धारा, गल्फ स्ट्रीम या फिर कैलिफोर्निया धारा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर फोर, काली जलधारा किसे कहा जाता है? किसके कारण कहा जाता है? किसका काला पानी है इसलिए उसे काली जलधारा कहा जाता है। तो क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्यूरोशियो जो धारा है इसे ही काली धारा कहा जाता है। चलिए देखते हैं,
क्यूरोशिवो की जलधारा जो कि जापान की जलधारा है कहाँ पर आती है, जापान में आता आएगा, कौन सी जलधारा आएगा तो क्यूरोशिवो की जलधारा, ठीक है। प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास पेरू की धारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा या फिर एलनिनो की धारा को। क्या बोल रहा है वो कि कौन सी जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है, कौन सी हम्बोल्ट की जलधारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यानी कि पेरू की जलधारा को। चलिए देखते हैं। पीरू धारा प्रशांत महासागरीय में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट है उसके सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती। कहाँ से? तो दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिम तट है, दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिम तट है उसके सहारे कहाँ? तो दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती है। इसे हम्बोल्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम्बोल्ट धारा। क्या है यह? ठंडे जल की महासागरी धारा है। कौन सी? पीरू धारा। आगे देखेंगे। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है, तट से सागर की ओर जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में जल धारा के बनने का कारण है? ऑप्शन है आपके पास वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं उत्तर जो ध्रुवीय प्रदेश है उसका असमान तापमान या फिर उपरोक्त सभी। अब देखो महासागर में जो जल धारा बनती है ना उसमें तीनों ही कारण होते हैं, यानी कि वायुदाब और हवाएं भी, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण के कारण भी, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान होने के कारण भी। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर जाती है? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंधीय की ओर या फिर इसमें से कोई नहीं। अब देखो समुद्र की जो गर्म जल धारा है वह किस ओर जाती है, समुद्र है किस ओर जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ देखो, जो ध्रुवों की जो गर्म धारा है यह ध्रुवों की ओर जाती है, समुद्र की जो गर्म धारा है यह ध्रुवों की ओर जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। ऐसी जल धाराएं महासागर की सतह पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। तापमान के आधार पर जो महासागरीय धाराएं हैं वह गर्म या ठंडी हो सकती है, ठीक है, गर्म ठंडी दोनों हो सकती है। भूमध्य रेखा के पास जो गर्म महासागरीय धाराएं बनती है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था आपका, जो कि कहाँ किस ओर चलती है? तो ध्रुवों की ओर चलती है। ठंडी धाराएं या उच्च अधिकांश किससे? जो उष्मकटिबंधीय या अधिकांश की तरफ चलती है। क्या किधर चलती है? तो उष्मकटिबंधीय और ध्रुवों की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? ऑप्शन आपके पास चीन सागर, जापान सागर, सार्गेसो सागर या फिर मारमारा सागर। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। समुद्री जलधारा प्रभावित होती है सागर के चारों ओर, कौन से सागर के चारों ओर होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सार्गेसो की जो सागर है इसके चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। चलिए देखते हैं यह क्या है। सार्गेस जलधारा, अंग्रेजी में इसे सट्रगेसो सिया कहा था, उत्तरी जो अटलांटिका है महासागर उसमें 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 पश्चिमी जो देशांतर है उसके मध्य चारों ओर प्रभावित होती है। चारों ओर कौन सी होती है? सार्गेसो सागर, ठीक है। आगे देखेंगे, जलधारा के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सार्गोरो सागर कहा जाता है, यानी कि जो बीच में स्थित क्षेत्र है जो कि शांत है उसे क्या कहा जाता है? सार्गोरो कहा जाता है, जो जड़ विहीन होता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा जो उत्तरी विषुवंती धाराएं होती है उनके चक्र के बीच शांत जल का क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास होती है। इस क्षेत्र यानी कि इस घास को पुर्तगाली भाषा में सोरगोसम कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सोरगेसो रखा गया था। आपको सिर्फ इतना याद रहना, चारों तरफ किसके सागर है?
किस कौन सी मतलब कि चारों ओर जल धाराएं हैं, तो सार्गोसो सागर के चारों तरफ क्या है कि धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? ऑप्शन है आपके पास फ्लोरोरिडा धारा, केनारी धारा, हम्बोल्ट धारा या फिर क्रायल धारा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जल धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जो जल धारा है वह कौन सी है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो बहती है दक्षिणी गोलार्ध में वह है हम्बोल्ट धारा। यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं इसके बारे में। पीरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका में पश्चिम तट के सहारे दक्षिण उत्तरी पर प्रभावित होती है। आपको हमने पहले लाइन में बताया था। इसके बाद देखेंगे होबाल्ट, इसे इसे ही जो पीरू धारा है इसे ही क्या कहा गया है? हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरू धारा को ही हम्बोल्ट धारा कहा जाता है जिसका तापमान लवणता दोनों कम है, जो कि तट के सागर की ओर जाने वाला तापमान भी क्या होता है इसमें बढ़ता जाता है। आपको याद रखना है कि पीरू धारा कैसे कहा जाता है? हम्बोल्ट जल धारा को कहा जाता है जो कि एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है आपके पास बिस्को की खाड़ी में, मेक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इसको मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था गोल्फ स्ट्रीम के बारे में। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।